को चार गुना देना है। तो चलिए हम इस बात को मान लेते हैं, जिसके पास एक बीघा खेत है उसको तीन बीघा खेत देते हैं, जिसके पास एक मकान है उसको तीन मकान दें। अगर इस पर सरकार तैयार हो तो हम उड़ाएंगे। जब आपके पास हवाई जहाज उड़ाने की क्षमता नहीं है तो आप गांव वालों की कमी में क्यों लेंगे। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद की है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में आज जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में अमर शहीद कुंवर सिंह उद्यान से ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। ग्रामीणों ने जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस लो, किसी भी कीमत पर जमीन मकान नहीं छोड़ेंगे, विस्तारीकरण के नाम पर भूमि अधिग्रहण वापस लो, सर्वे के नाम पर महिलाओं का उत्पीड़न बंद करो, दलित महिलाओं और ग्रामीणों के उत्पीड़न की न्यायिक जाँच कराओ, जमीन के लुटेरों वापस जाओ नारे लगाए। मोर्चा के नेताओं ने बताया कि पिछले 21 दिनों से जमुआ हरिराम गाँव में खिड़िया की बाग में शांतिपूर्ण क्रमिक अनशन धरना जारी है, जहां जमुआ हरिराम कादीपुर हरकेश हसनपुर चिकना करमनपुर लचिहरा हिच्छनपट्टी कदनपुर जेहरा पिपरी मंदुरी आदि गांवों की महिला पुरुष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से असहमति दर्ज करा रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि विस्तारीकरण के नाम पर जमीन मकान की अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए, मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का मास्टर प्लान रद्द किया जाए। रामनयन यादव संयुक्त मोर्चा नेता ने क्या कुछ कहा है, उनकी बात को सुनिए। मैं रामनयन यादव। आज किस मामले को लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं? हमारे इलाके में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए जो मास्टर प्लान आया हुआ है, हाँ, उस मास्टर प्लान के तहत हमारे गांव को उजाड़ा जा रहा है, हमारे खेत को अधिग्रहित करने की कोशिश की जा रही है और वहाँ के मजदूर और किसानों को धमका करके वो अपना काम करना चाहते हैं। हम इसके विरोध में हैं। हम ये चाहते हैं कि इनका जो एयरपोर्ट का मास्टर प्लान है, ये प्लान वो वापस ले या रद्द कर दे। और यहाँ पर जो हमारे पहले से हवाई पट्टी मौजूद थी, उस पर तो कभी हवाई जहाज उड़ी नहीं। वो उसको उन्होंने, मोदी जी ने एक बार वहाँ मीटिंग किया था तो उन्होंने कहा कि हम इसको नेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। तो एयर और अगले महीने में या 3 महीना बाद बताया उन्होंने कि इसकी उड़ान होगी। वो 5 साल उनकी सरकार निकल गई, कोई उड़ान नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि अब हम इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। पहले आप बताइए कि लड़का हुआ ही नहीं और उन्होंने पहले शादी तय कर दिया, नेशनल बनाए नहीं, इंटरनेशनल का उन्होंने नारा दिया। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर वो जितनी दूर की जमीनों को कब्जा कर रहे हैं, ये हमारा मानना है कि जब बड़े बड़े एयरपोर्ट को बेचे गए हैं, जो रेलवे बेची गई है और जो ये 3 कानून वो लाए थे जिसके लिए 13 महीना दिल्ली में किसानों ने आंदोलन किया कानून वापस लेने के लिए, उसमें तो असफल नहीं हुए, दिल्ली वाले में सफल नहीं हुए, असफल हो गए। और ये बेचने वाला काम जो उनका चल रहा है, जो उन्होंने वादा किया है पूंजीपतियों से कि हम देश की जमीन आपके हवाले करेंगे, मुझको ये लगता है कि उन्होंने नाक अपने हाथ को घुमा कर पकड़ा। कानून वापस हुआ लेकिन इस तरीके से जो विस्तारीकरण का नारा दे करके या इंडस्ट्रियल हब का नारा दे करके जो वो जमीन को कब्जा कर रहे हैं, ये पूंजीपतियों के हवाले करेंगे और हम गरीबों को उजाड़ कर खाना बदोश की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो हम खाना बदोश की जिंदगी जीने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी जमीन के लिए लड़ने के लिए और लड़ते लड़ते मर जाने के लिए तो मौजूद है, लेकिन हम खाना बदोश की जिंदगी जीने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, सरकार कह रही है कि हमको 4 गुना देना है, तो चलिए हम इस बात को मान लेते हैं, जिसके पास 1 बीघा खेत है उसको 3 बीघा खेत दे दें, 1 बीघा वो अपने पास रख लें मुनाफे में, जिसके पास एक मकान है उसको 3 मकान दें, 1 मकान वो अपने मुनाफे में रख लें। और इस तरह से अगर सरकार हमको देती है तो हम रुपया के रूप में नहीं, धरती के रूप में और मकान के रूप में लेंगे। अगर इस पर सरकार तैयार हो तो हम पहले उस जगह को देखेंगे और उस मकान को देखेंगे कि हमारे लिए तैयार है कि नहीं है, तब अगर वो 4 गुना देना चाहती तो हम 4 गुना इस रूप में लेंगे। बाकी रुपए पैसे के 4 गुना या 10 गुना हमको नहीं चाहिए। अभी सांसद जी ने कहा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो चाहते ही नहीं कि आजमगढ़ का विकास हो, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। आप सांसद जी कह रहे हैं कि लोग चाहते नहीं कि यहाँ का विकास हो। सांसद जी गाजीपुर में अगर विकास कर लेते तो बड़ा अच्छा होता,
और सांसद यहाँ के हैं तो उनके मंत्री में तो हिम्मत नहीं है कि वो मोदी के सामने कुछ बोल सकें, योगी के सामने कुछ बोल सकें। एक सांसद की कितनी औकात है, इतना ही बड़ा हिम्मत वाला है तो कभी ये जो 21-22 दिनों से हम प्रोग्राम कर रहे हैं कभी दर्शन नहीं दिया उस आदमी ने, जाकर के लोगों से कहे कि भाई हम आपके साथ हैं, आपकी बात को सदन में उठाएंगे, इतना भी कहने के लिए उसकी हिम्मत नहीं हुई तो कैसे हमारे जिले का विकास करना चाह रहा है। और हम ये चाहते हैं कि वो भी गांव का रहने वाला, वो भी भैंस जिलाता था, वो भी उसके बाप भी, हम भी जिलाते, हमारे बाप भी जिलाए थे, तो हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग किस स्तर के हैं। तो वो आदमी आज अपनी हैसियत भूल गया सांसद होकर के, अब वो भूल गया कि किसान का लड़का है, वो भूल गया, वो अपने आप को बहुत ऊंची श्रेणी में गिन रहा है, इसलिए हमारे घर को उजड़वा करके वो आजमगढ़ का विकास करना चाह रहा है। उसका विकास उसको मुबारक हो, हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए कि जहां लोगों के घर उजारे जाए, लोग विस्थापित किए जाए और खाना बदोश की जिंदगी जिए, ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। सरकार कृपा करके हमको जिस स्तर पर है, जिस हालत में है, ये हमको वहीं पर रहने दे, हम उसी में खुश रहेंगे। आगे संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने कहा कि पिछले करीब 15 सालों से आजमगढ़ में मंदिर हवाई अड्डा के लिए जो जमीन अधिग्रहित हुई उस पर न कोई विमान आया न गया और न ही आसपास के ग्रामीणों को रोजी रोजगार जीविकोपार्जन का कोई साधन उपलब्ध हुआ। आजमगढ़ जैसे पूर्वांचल के जिलों से नौजवान रोजी रोटी की तलाश में ट्रेनों में जानवर की तरह ठूसकर मुंबई दिल्ली पंजाब गुजरात चेन्नई के शहरों में जाने के लिए मजबूर होते हैं। आवश्यकता तो यह है कि रेलों की यातायात क्षमता बढ़ाई जाए और बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे खोले जाएं और खुदरा व्यवसाय को बढ़ाया जाए। मोर्चे के नेताओं ने सवाल किया कि आजमगढ़ में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर इतनी आतुरता क्यों है जब हमारे जनपद से 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, कुशीनगर, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। आरोप लगाया कि सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, अब उसी तर्ज पर किसानों की जमीन मकान छीनकर कंपनियों के हाथों बेचने की साजिश की जा रही है। राजीव यादव संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता ने क्या कुछ कहा है सुनिए। राजीव यादव सही किसान मोर्चा, ये क्या मामला है जब जुलूस निकाल के एक तरफ आए हुए? देखिए ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पर जो है गांव वालों को मकान और उनकी जमीन से बेदखल करने की जो सरकार की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ लगातार 21 दिन से जो है ग्रामीण धरने पे बैठे हैं और 12-13 की रात में प्रशासन जो है SDM वहां पर जाकर के महिलाओं के साथ भत्ता करते हैं, जात सूचक गालियां देते हैं और रात में भी जाके सर्वे करते हैं, तो इन्हें उसके खिलाफ लगातार ग्रामीण 21 दिन से धरने पे बैठे हैं लेकिन प्रशासन एक भी सुध नहीं ले रहा है। तो आज हम फिर से प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत करवाने आए हैं कि हमको कोई भी विस्तारीकरण नहीं चाहिए, आप हमको जमीन मकान से कोई समझौता नहीं करेंगे और जो भी SDM और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो रात में सर्वे के नाम पर महिलाओं के साथ बुजुर्गों के साथ उत्पीड़न किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसमें तो हम उसके भी समर्थन में गए थे। देखिए पूरा का पूरा प्रदेश में गुंडा राज है और गुंडे राज में लगातार प्रदेश में जो आम जनता है उसके खिलाफ सरकार खड़ी है। अब यही देखिए कि यही सरकार लगातार जो बुलडोजर है, बुलडोजर के नाम पर आज वो ग्रामीणों का जो है मकान ढहाने के लिए खुले आम चेतावनी दे रही है और कार्य हम भूमि अधिग्रहण करेंगे। मैं एक बात आपसे माध्यम से कहूंगा कि जो अभी मंदुरी में जो एयरपोर्ट बना है और आजमगढ़ से बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जो कि मोदी जी 2014 में आते हैं 2014 में वो कंपनी भी आती है और उस कंपनी को ये लखनऊ से लेकर आजमगढ़ से लखनऊ उड़ाएगी। जब आपके पास हवाई जहाज उड़ाने की क्षमता नहीं है तो आप गांव वालों की जमीन क्यों लेंगे, किसानों की जमीन क्यों लेंगे? और सवाल इस बात का है क्या कोई आपने सामाजिक आकलन किया, इन्वायरमेंटल आकलन किया? आपने कृषि पे जो वैसे ही संकट में जा रही है क्या किसानों पे क्या स्थिति पड़ेगी उसका आकलन किया आपने? आपको मालूम होगा कि आजमगढ़ पूरा जो पूर्वांचल का बेल्ट है ये मजदूरों का बेल्ट है, दिहाड़ी मजदूरों का बेल्ट है। इस देश में बड़े पैमाने पर दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार की इसकी चिंता नहीं है लेकिन उनको बेदखल करके, उनकी जमीनों से बेदखल करके, उनके मकानों से बेदखल करके उनको जो है सड़क पर भीख मांगने के लिए सरकार मजबूर करना चाह रही है। और ये लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो राज है आप स्थिति ये देख सकते हैं कि जो दंपत्ति का जो सवाल आपने कहा वो सवाल तो देखिए ये अहम है और साथ में आज हम लोग भी ये सवाल लेके आए हैं। लगातार SDM जो है 12 तारीख के दिन में और रात में जाते हैं और सर्वे के नाम पर महिलाओं के साथ मारते हैं, पीटते हैं, उनको जात सूचक गाले देते हैं लेकिन 21 दिन बाद भी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। आपसे ही मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं DM से कि DM साहब बताएं कि रात में 12 बजे 2 बजे 3 बजे कौन सा सर्वे होता है?
क्या मोदी जी योगी जी की राज में जो है अब महिलाओं का उत्पीड़न होगा और उनके सर्वे करने के नाम पे जो एसडीएम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि आप मास्टर प्लान जो विस्तारीकरण का है उसको तत्काल रद्द करिए और जो ग्रामीणों के साथ सर्वे के नाम पर जो मारपीट की गई है जो गैरकानूनी तरीके से, उन अधिकारियों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत और तमाम तरीके से उनके ऊपर मुकदमे पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आपके साथ कुछ और किसान नेता भी जुड़ रहे हैं, तो कौन कौन लोग आ रहे हैं आने वाले समय में? देखिए हमारे साथ जो है अभी पिछले दिनों संदीप पांडे जी और उनसे ध्रुव आई जो है 6 तारीख को इसी जो झूठा सर्वे किया गया है, गांव में कोई गया ही नहीं तो सर्वे कैसे हुआ, तो इसके खिलाफ 6 तारीख को गुरनाम सिंह चढ़ोनी बाजवा जी तेजेंद्र सिंह बीर आ रहे हैं और 8 तारीख को मेधा पाटकर जो जनांदोलन की नेता है वो आ रही है, 9 तारीख को राकेश टिकैत आ रहे हैं। तो लगातार ये पूरा क्षेत्र में जो है लगातार जनांदोलन किसान नेताओं के आगमन होगा और सरकार अगर नहीं मानती है तो 6 तारीख के बाद हम एक बड़ी किसान महापंचायत आजमगढ़ पे करेंगे और वे सवाल सिर्फ आप आजमगढ़ की मंदुरी का, जमुआ का या जिगना का या फिर वहां पर वहां के गांव का नहीं रहा गया है, ये गांव का पूरा आजमगढ़ ही नहीं पूरे पूर्वांचल समेत पूरे उत्तर प्रदेश का सवाल ये बन गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पिछले 21 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन और तमाम शासन और प्रशासन को दिए गए ज्ञापन कितना किसानों के अपने कार्य को साबित होते हैं। आज के प्रदर्शन में रामनयन यादव, शशिकांत उपाध्याय, सुजय उपाध्याय, राजीव यादव, दुखहरण राम, राजेश आजाद, रविन्द्रनाथ राय सहित तमाम युवा शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 9 नेटवर्क, आजमगढ़।